गाइज वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और आ चुकी हूँ आप लोग के लिए एक न्यू मार्केटिंग ब्लॉग लेके। ये ब्लॉग होने वाला है हाथी बगान मार्केट। तो आज मैं कुछ आप लोग से साड़ी कलेक्शन और जो जो सूट कलेक्शन वहाँ पे अच्छा होगा मैं आप लोग से शेयर करूँगी। तो बिना स्किप किए हुए ब्लॉग को पूरा देखिएगा। तो चलिए चलते हैं और डायरेक्ट मिलते हैं आप लोग को हाथी बगान मार्केट। सो गाइज हम लोग आ चुके हैं हाथी बगान मार्केट और चलिए आप लोग को यहाँ का न्यू न्यू कलेक्शन दिखाते हैं दुर्गा पूजा का। और सबसे पहले हम साड़ी में कुछ दिखाएंगे आप लोगों को। तो चलिए, साड़ी का शौक आता है तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ, तो ब्लॉग पे बने रहे। रहा पूरा हाथी बगान मार्केट और ये रोड के ऊपर में भी हम हैं और आप लोग उस साइड, इस साइड पूरा मार्केट लगता है। तो चलिए आप लोग को दिखाते हैं हम। तो गाइस सबसे पहले हम लोग यहाँ शर्ट पे आ गए हैं कुछ। तो ये अंगन भैया बोल रहे हैं कि शर्ट 200 में मिल रहा है। तो 200 में यहाँ शर्ट दे रहे हैं। स्टॉक भी है। यहाँ का एड्रेस बता दीजिए। हाथी बगान है, ये सम्भैया हाथी बगान है, दरपुना का अंदर में है। ठीक है, आप लोग भी अगर आते हो तो प्लीज़ ज़रूर आइए। तो यहाँ का कलेक्शन मैं भी आप लोग को दिखा रही हूँ। ट्रैक पैन है, देखिए पैंट मिल जाएगा आप लोगों को। कितना में? 200 में यहाँ पे सेल लगा है। तो 200 के अंदर आप लोग को ये सुंदर सुंदर सा शर्ट और यहाँ सुंदर सुंदर सा ट्राउज़र पैंट मिल जाएगा। और यहाँ पे टॉप भी आ जाता है, टी शर्ट 200, सब 200। गाइस देखिए कितना सुंदर सुंदर सा टी शर्ट मिल रहा है। ओवर साइज है, प्लीज़ आप लोग आइए और ज़रूर ट्राई कीजिए। और यहाँ 200 करके शर्ट दे रहे हैं, गर्ल्स शर्ट है, लेडी शर्ट। तो देखिए आप लोग, बहुत सुंदर लग रहा है। ये वाला देखें, ये रहा। तो कौन सा आप लोग को अच्छा लग रहा है बताइएगा प्लीज़। आप लोग बताइएगा दोनों में से कौन सा अच्छा लग रहा है, बट मैं ये वाला ले रही हूँ। तो आप लोग बताइएगा, तो आप लोग भी ज़रूर आइए। 200 में शर्ट, टी शर्ट सब यहाँ पे अच्छा अच्छा मिलता है। और इसके बाद मैं आप लोग को साड़ी कलेक्शन दिखाऊंगी, तो ब्लॉग पे बने। गाइस आप लोग बॉयज़ कलेक्शन भी दिखाने बोल रहे थे मुझे, तो यहाँ पे बॉयज़ कलेक्शन है कुछ टी शर्ट, तो मैं आप लोग को दिखा दे रही हूँ। कितना करके? 200-250 यहाँ पे। तो आप लोग ट्राई जरूर कीजिएगा। तो ये रहा बॉयज़ कलेक्शन, कुछ टी शर्ट है। अभी हम साड़ी कलेक्शन के दुकान पे आए हैं, तो आप लोग को साड़ी कलेक्शन दिखाएंगे। तो आप लोग देखिए, अष्टमी में या फिर दशमी में पहनने का कुछ भी माँ का छापा हुआ कितना सुंदर सा साड़ी मिल रहा है यहाँ पे। तो मैं अभी आप लोग को दिखाऊंगी, आप लोग देखिए। अभी अंकल को बोले साड़ी दिखाने के लिए और देखते हैं, अगर अच्छा लगा तो अष्टमी में पहनने के लिए साड़ी लूँगी। तो आप लोग देखिए, और हम बोले थे अष्टमी में पहनने के लिए अच्छा दिखाइए कुछ। दीदी को दिखाओ, हाँ एक बार खोल के दिखाइए ये वाला। तो गाइज आप लोग को कौन सा अच्छा लग रहा है आप लोग बताइएगा। और इस बार मैं कुछ साड़ी कलेक्शन आप लोग को दिखा रही हूँ क्योंकि पूजा आ रहा है इसीलिए। तो बताइए आप लोग कैसा लग रहा है ये साड़ी, कौन सा अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे मैं आप लोग को साड़ी दिखा रही हूँ अष्टमी में पहनने के लिए। तो कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये साड़ी बहुत ही सुंदर सा वर्क किया गया है, माँ का यहाँ पे कितना सुंदर सा फेस आका हुआ है। आप लोग भी ऐसा साड़ी पहनते हो अष्टमी में तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा गाइज, और आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। আমাদের
कौन सा चाहिए वाला ले लो गाइस। ये साड़ी हम लिए हैं और इसका प्राइस पड़ा है 550 का। तो अगर आप लोग को लेना है तो ज़रूर आइएगा, मैं आप लोग को लोकेशन बता दूंगी। कार्ड नहीं, अंकल के पास कार्ड ही नहीं है। और हाथी बागान में इतना ज़्यादा मार्केट है, मतलब गली गली के अंदर, तो मुझे भी पता नहीं चल रहा है कि मैं आप लोग को क्या लोकेशन बताऊं। बट आप लोग अगर हाथी बागान आते हो और हाथी बागान के अंदर में कोई भी साड़ी दुकान आप लोग खोज लोगे, यहाँ पे पूरा साड़ी का ही शॉप है। हर एक साड़ी का शॉप पर आप लोग को ऐसा मिल ही जाएगा साड़ी, तो आप लोग ज़रूर आइएगा। और अंकल कार्ड भी नहीं रखे जो मैं आप लोग को बताऊँगी। तो ये वाला लिए हैं 550 में, तो मैं पेमेंट कर देती हूँ। पता चला हम लोगों को ये दुकान का नाम हाथी बागान पीओ गोपाल अंकल बता रहे हैं, तो आप लोग आइएगा हाथी बागान पीओ गोपाल। किसी से भी पूछोगे तो आप लोग को बता देंगे और यहाँ पे आप लोग को अच्छा अच्छा साड़ी कलेक्शन मिल जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर आइएगा। लेने के बाद हम आ गए यहाँ ब्लाउज के दुकान, और आप लोग देखिए कितना सुंदर सुंदर सा ब्लाउज है अष्टमी में पहनने के लिए। हाँ, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है गाइज़। आप लोग को कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइएगा। हाँ, कानबोना यहाँ पे हम लोग हील्स और स्लीपर का शॉप पे आए हैं। तो देखिए कितना सुंदर सुंदर सा हील्स यहाँ पे मिल रहा है। मुझे तो एक बहुत ज़्यादा अच्छा लग गया जो मैं पहनी हूँ। अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है, आप लोग को लेना है, तो यहाँ पे बाज़ार कोलकाता है, बाज़ार कोलकाता का नीचे में ही है दुकान। तो प्लीज़ आप लोग आइएगा। और वाइट कलर का हील्स देखिए, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। पिंक में भी अच्छा लग रहा है। और मार्केट बहुत ज़्यादा भीड़ है। ये वाला अच्छा लग रहा है, वाइट रहता। बाजार कोलकाता के ठीक नीचे पे ही आप लोग को ये इयररिंग्स का शॉप मिल जाएगा, और आप लोग ये शॉप पे जरूर आइएगा। कितना सुंदर सुंदर सा इयररिंग्स आप लोग देख सकते हो, मात्र 30 टका कोड़े। तो 30 रुपीज़ में आप लोग को ये सुंदर सुंदर सा इयररिंग्स मिल जाएगा। और मैं बहुत बार यहाँ से ट्राई की हूँ, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए। कोई भी वेस्टर्न ड्रेस के साथ आप लोग को ये इयररिंग्स पहनोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और मैं भी यहाँ से ले कर गई हूँ, कोई भी जींस टॉप वन पीस में ये सब छोटा छोटा सा इयररिंग्स पहनोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और 30 रुपीज़ में तो बहुत ज़्यादा अच्छा दे रहा है। तो आप लोग भी ज़रूर आइएगा, बाज़ार कोलकाता के ठीक नीचे पे ही आप लोग को ये शॉप मिल जाएगा। और मैं यहाँ पे खोज रही थी सूट कुर्ती वगैरह आप लोग से शेयर करने के लिए, बट यहाँ पे ज्वेलरी का शॉप ही बहुत ज़्यादा है। और आप लोग ट्राई करिएगा यहाँ पे, सबसे ज़्यादा तो आप लोग यहाँ पे ज्वेलरी का ही शॉप पाइएगा। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़्यादा अच्छा है, और मैं बहुत बार ट्राई भी की हूँ। मिस्टी बागान का पापड़ी चाट बहुत ज़्यादा पसंद है। कितना सुंदर सा बना रहे हैं। मैं कभी भी आती हूँ तो मैं पापड़ी चाट खा के ही जाती हूँ, और ये भैया के पास से ही खाती हूँ पापड़ी चाट। तो आ गया मेरा पापड़ी चाट, और मैं खा के आप लोगों को बता रही हूँ साइज़ का। मार्केट करने और पापड़ी चाट ना का ऐसा हो ही नहीं सकता। हाथी बागान का फेमस पापड़ी चाट है, दुकान दिखा दो। मार्केटिंग जितना भी आप लोग को दिखाए बहुत दिखाए, और हाथी बागान मार्केट इतना ज़्यादा बड़ा है ना, मैं आप लोग को नहीं बता सकती, बहुत ज़्यादा बड़ा है। और यहाँ हाथी बागान में ज्वेलरी कलेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा है, पर वहाँ कुछ कुछ अंकल हमको वीडियो करने नहीं दे रहे थे, इसलिए हम आप लोग को करके नहीं दिखाए। और अभी हम लोग जल्दी जल्दी घर जा रहे हैं क्योंकि शाम हो चुका है, और यहाँ पे मिचिल निकला है कुछ, इसीलिए। तो जितना भी दिखाए ब्लॉग पे आप लोग को बहुत दिखाए, तो चलते हैं घर, और घर पे जाके आप लोग को हम क्या क्या लिए हैं घर पे जाके आप लोग को दिखाएंगे। तो चलिए, तो ब्लॉग पे बने रहे। तो गाय
गाइज हम घर आ चुके हैं और सॉरी मैं ज़्यादा हाथी बगान मार्केट का व्लॉग नहीं बना पाई। हाथी बगान मार्केट बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, आप लोग अगर जाओ तो हर एक दुकान पूरा घूम लो, उसके बाद आप लोग शॉपिंग करोगे। और मैं और एक बात बोलूँगी, वहाँ का ज्वेलरी कलेक्शन बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। आपको कोई भी लहंगा क्या या फिर साड़ी का कोई भी कलेक्शन चाहिए हो तो आप लोग जाइएगा, वहाँ पर मिल जाएगा। और अभी पूजा के लिए साड़ी अष्टमी में पहनने के लिए बहुत ही अच्छा अच्छा कलेक्शन आया है, तो आप लोग जाइए और अच्छा से बार्गेनिंग करिए तो आप लोग को बहुत ही कम प्राइस में भी मिल जाएगा। तो अभी हम क्या क्या लिए वो फटाफट से आपको दिखा देते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं लिए हैं, बस ये साड़ी लिए हैं ये अष्टमी में पहनने के लिए। और ये साड़ी मेरा नहीं है, ये साड़ी दीदी का है, तो दीदी पहनेगी ये साड़ी। पूरा बंगाली जैसा सुंदर लग रहा है, अच्छा काम है, सिंपल सा। और मेरा न्यू साड़ी रखा इसलिए मैं नहीं ली हूँ। तो अष्टमी में सब तो वाइट और रेड में कुछ वर्क किया हुआ सब पहनता है साड़ी, इसलिए हम उसको दिला दिए हैं। तो ये साड़ी लिए थे और बस हील्स के शॉप पे गए थे तो आप लोग को दिखाए थे, तो ये वाइट कलर का हील्स लिए हैं। और आप लोग बार्गेनिंग अच्छे से करोगे तो आप लोग को वहाँ पे बहुत ही कम प्राइस में मिल जाएगा। ये 650 बोल रहा था और हम एक दाम 350 में लिए हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि 350 में ठीक हमको मिला या फिर नहीं। तो आप लोग बस अच्छे से वहाँ पर जाके बातचीत करना है। और ये साड़ी हमको मिला था 550 में, 550 में। तो कमेंट कीजिएगा हमको ठीक मिला या फिर नहीं। और ये शर्ट हम आप लोगों को दिखाए थे, ये शर्ट लिए हैं 200 में, सेल पे लगा हुआ था। बस इतना ही लिए हैं, बस इतना ही लिए और कुछ नहीं लेना था। बस हम साड़ी के लिए ही वहाँ पे गए थे और आप लोगों को साड़ी कलेक्शन दिखाने के लिए गए थे हाथी बगान। और हाथी बगान बहुत बड़ा मार्केट है, आप लोग घूम घूम के करोगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। तो प्लीज़ अगर ये ब्लॉग आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा तो मेरे ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्त भाई बहन रिश्तेदार फ्रेंड सब पे शेयर कीजिएगा। और ऐसे ही ब्लॉग चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैं कौन से जगह का ब्लॉग बनाऊँ। तो प्लीज़ गाइस अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय। कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा आपको व्लॉग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।